बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सुबह वेजिटेबल्स आ चुकी हुई थी तो मैंने सोचा मैं इसको फ्रिज में सारों को सेट करके रख लूँ। मैं इकट्ठी सारी वेजिटेबल्स ले आती हूँ, जितनी भी एक या दो वीक चलती हैं ना उतनी ले आती हूँ। कुछ ऐसी होती हैं जो बनाने वाली होती हैं वो मैं बना के रख लेती हूँ, कुछ वैसे ही फ्रिज में रख लेती हूँ, ख़राब नहीं होती हैं। यहाँ पर पड़ी मुझे कह रही थी कि मामा मैं आपकी हेल्प करती हूँ। मैं कहा चलो मुझे पकड़ाती जाओ, मैं फ्रिज में रखती जाती हूँ सारी सेट करके। क्योंकि रखी हो तो फिर सारा मुझे खुद इस पर अंदाज़ा होता है ना कि कहाँ पे क्या क्या रखा हुआ था। पर इस साथ साथ रख रही थी, इतनी देर में अबीर भी आ गई हुई थी। अबीर को मैं कह रही थी कि अबीर आप भी अपना जो है यूनिफॉर्म चेंज करो, तो मैं आपको भी फिर चेंज ब्रेकफास्ट वगैरह बना कर देती हूँ, खाना देती हूँ जो भी आपने खाना है। अहमद ने अपना तंग किया हुआ था, वैसे तो मेरा काम करने का दिल कर नहीं रहा था क्योंकि कल का भी सारा दिन इतना काम किया थका। क्योंकि छोटे बच्चों वाली माँ को तो पता ही होगा कि बच्चों को संभालना, घर के सारे काम करना कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन अल्लाह हिम्मत दे तो सब कुछ हो जाता है। और वैसे भी आजकल सब इंसान तो दवाइयों पे जिंदा है, उसी पे चल रहे हैं, साथ साथ दवाइयाँ खाई जो, घर के काम करी जो, बच्चों को संभाली जो, बस ऐसे ही आजकल चल रहा है सब कुछ। यहाँ पे अभी हीरो पड़ी लेमन के साथ खेल रही थी, दोनों लगी हुई थी। वो कही थी मैंने लेमन पकड़ने, वो कही थी मैंने लेमन पकड़ने। फिर यहाँ पे अंदर कमरे में एक तो दीवार बहुत ज़्यादा नमी से ख़राब हुई हुई थी और आज पेंट करवाने थे। यहाँ पे दीवार पे पड़ी ने आर्टिस्टियाँ दिखाई हुई थी सारी, तो रूम बहुत ज़्यादा गंदा लगता था। तो मैंने सोचा कि चलो पेंट करवा लेते। पेंट करवाने के साथ साथ घर में कितना काम हो जाता है, सामान इधर से उधर करना, फिर बाद में सफाइयाँ करना, उसकी थकावट अलहदा हो जाती है। इतनी आर्टिस्टियाँ अबीर पड़ी ने दोनों ने मिल मिल के लगाई हुई थी कि रूम बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। अब ये देखे सारा पेंट हुआ के फारिग हो गया, अब नीट एंड क्लीन रूम हो गया था सारा, कितना प्यारा लग। मैंने इनको यही कहा था कि अब आप लोग गंदा करोगे तो मैं दोबारा कभी नहीं रूम साफ़ करूँगी, क्योंकि अब वो खुद भी थक गई हुई थी, अक गई हुई थी देख देख के कि मामा हमारा रूम कब साफ़ होगा, अच्छा नहीं लगता। तो मैं इनको यही कही थी कि अब आप लोग करोगे तो दोबारा कुछ नहीं करना, मैंने ऐसे ही डर्टी रूम आप लोगों का रखना है ताकि सब कहें कि आप लोग डर्टी बच्चे हो। तो कहते नहीं 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 अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे कुछ नहीं करेंगे। मैं कह ऐसे गुड बेबी मेरे बन के रहना। फिर मैं किचन में चली गई बच्चों के खाने पीने के लिए कुछ इंतज़ाम करने। तो यहाँ पर मैंने ना बच्चों के लिए पोटैटो पॉप्स बनाने लगी थी। तो मैंने तकरीबन पाँच से छः आलू जो है ना वो छील के बॉईल करने रख दिए हुए थे, और मैंने उनके अंदर नमक भी डाल के बॉईल करने रखा था, छोटे छोटे काट के ना उसको मैंने रखा था ताकि ईजिली जो है ना और जल्दी जल्दी से बॉयल हो जाए। क्योंकि बच्चे काफ़ी देर से कह रहे थे कि हम लोगों ने कुछ खाना, मैं कहा अच्छा मैं आप लोगों के लिए कुछ बना के लेकर आती हूँ। क्योंकि बच्चे भी अब तंग आ गए हुए थे क्योंकि सारा दिन एक तो एक्टिविटी काफ़ी रही पेंट की एक्टिविटी, और बच्चों को होता कि हमें भी कुछ खाने को डिफरेंट मिल जाए। यहाँ पे आलू बॉयल हो गए थे तो मैंने एक प्लेट में निकाल दी ताकि ठंडे हो जाए, क्योंकि जो रेसिपी बनानी थी ना वो इस तरह ही फौरन बननी थी, यानी कि फ्रिज में ठंडा करके नहीं बननी थी, उसी टाइम चीज़ें मिक्स करके सारा उसको तैयार करना था, इसलिए मैं प्लेट में निकाली ताकि साथ साथ ठंडा हो जाए। इसको निकालने के बाद इतना देख लेना कि नरम आलू हो, सख्त ना रहे, नरम नरम से आलू होने चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट से, ज़्यादा इनको ज़्यादा बॉयल करना है। मैंने फिर प्लेट में इसके अंदर इसको मैश करना शुरू कर दिया था ताकि इसमें मैश होके ठंडा होना शुरू हो जाए। साथ ही एक फ्राई पैन में ऑयल भी रख देना ताकि वो भी गर्म हो जाए, क्योंकि ये फ़ौरन रेसिपी मिक्स करके इसको हमने साथ ही फ्राई कर लेना है। ये है बेसिकली बच्चों के लिए रेसिपी, हम इसको रमज़ान में भी खा सकते हैं। मैं मोस्टली रोज़ों में बनाती हूँ, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, या क्योंकि मेरे बच्चे इवनिंग में कोई ना कोई स्नैक या ट्यूशन से आके लाजमी खाते हैं, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उनको बना के देती रहती हूँ। ये मैंने यहाँ पर इनको मैश करना शुरू कर दिया हुआ था पोटैटो को, और इसके बाद अब इनको एक बाउल में मैंने शिफ्ट किया। मैंने कल पहले सोचा था ये कि प्लेट के अंदर मिक्स हो जाएंगे, पर नहीं प्लेट के अंदर नहीं मिक्स होते, फिर मैंने बॉल में मिक्स कर बॉल में डाल दिए इनको। इसके अंदर कुछ ज़्यादा मटेरियल नहीं इस्तेमाल होना, मटेरियल भी इसके अंदर ना थोड़ा सा इस्तेमाल होना है, ज़्यादा चीज़ें नहीं डलेंगी क्योंकि बच्चों के लिए तो मसाले ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने। इसके अंदर थोड़े ही मसाले डलेंगे क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा स्पाइस यूज़ नहीं करते, बच्चे हल्की फुल्की चीज़ें से खाना पसंद करते हैं। फिर इसके अंदर हम लोगों ने डालना है कॉर्नफ्लावर, बेसन और हरी मिर्च। बेसन तकरीबन डलेगा 3 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लावर भी 3 टेबलस्पून डलेगा, और हरी मिर्च मोटी वाली डालनी है बीच निकाल के बरीक बरीक सी छोटी छोटी सी काट के, और नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करना कि ये बिल्कुल मिक्स हो जाए। अब इसको अगर ये थोड़ा सा आपको थिक लगे तो इसके अंदर पानी भी थोड़ा सा डालना है ताकि ये थोड़ा पतला पतला सा हो जाए। मैंने आपको बताया था ना कि आलूओं को बिल्कुल नरम सा बॉयल करना है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, इस तरह इस कदर उसको बॉयल करना है। आलूओं को सख्त नहीं रखना, जैसे हम रोटियां बनाने के लिए थोड़ा सा सख्त रख लेते हैं या कटलेट्स बनाने के लिए थोड़ा सा हार्ड रखते हैं, वैसा नहीं, इसको बरी इसको बहुत सॉफ्ट ज़्यादा बॉयल करना है, चीज़ों को मिक्स कर लेना। और हरी मिर्चें हैं वैसे ही मोटी वाली, जो हरी मिर्चें हैं जो कम तीखी होती हैं वो डालनी है, क्योंकि जो अगर हम बारीक वाली हरी मिर्च डालेंगे तो बच्चे खाएंगे तो उनको मिर्चें लगेंगी, इसलिए वो मोटी वाली ही इसके अंदर डालनी है।
फिर अभी मैंने फोक के साथ डालने लगी थी, यानी कि इसको आप शेप भी दे के, कोई भी शेप दे के इसको बना सकते हैं। मैंने ये देखे पहले फोक से डाला है इसको, ताकि ईजिली ये देखे डल रहा है। इसको जिस मर्ज़ी शेप में आप डाल सकते हैं, रैंडमली जो आपको पसंद हो। मैंने पहले फोक से डाल के दिखाया आपको कि ईज़िली हम डाल सकते हैं, कि इतना ये मैंने पतला भी नहीं बनाया और इतना हार्ड भी नहीं है। करीबन 2 to 3 minutes में ये ना फ्राई हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, कुछ ज़रा ज़रा सा पिंक हो जाए तो इसको निकाल लेना है। क्योंकि पहले ही आलू बॉयल हुए हैं चीज़ें सारा मिक्स करके, तो फिर मैंने इनको पॉप्स की शक्ल को देने शुरू कर दिए। जैसे हम बचपन में खाते थे ना टॉप पॉप्स, सबको याद होगा, लंबा लंबा गोल गोल इसको, या छोटा कबाब की शेप जिसको हम कहते हैं, वो इनको मैंने उस शेप में ना इसको बना के तो फ्राई करना शुरू कर दिया। मैंने आपको बताया था ना कि ये फ्रेश फ्रेश बना के उसी टाइम बना के उसको फ्राई करेंगे, क्योंकि ठंडा करके होंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे, इनकी शेप प्रॉपर नहीं आएगी, जो चाहते हैं वैसा नहीं होगा, क्योंकि नमक इसके अंदर डाला तो इसके अंदर से हल्का हल्का सा पानी भी निकल आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए इसको फ़ौरन शेप दे के फ्राई कर लेते हैं, ताकि इसकी जो है शेप या इसका टेस्ट जो है वो प्रॉपर रहे और टेस्ट ख़राब ना हो। फ्रिज में रखने से पानी निकलने से थोड़ा सा टेस्ट भी हो जाता, ख़राब हो जाता है, और वैसे ही जैसे मौसम चेंज हो रहा है पता भी नहीं लगता, चीज़ जल्दी ख़राब हो जाती है। ये देखें कितना सॉफ्ट है, ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट है। बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बड़े भी शौक से खाते हैं, लेकिन बच्चे ज़रा शौक से खाते हैं। वैसे भी आलू जो हैं बच्चों को हर फॉर्म में खा लेते हैं और उनको पसंद भी आता है, तो हमारे बच्चों को देना भी चाहिए। आलू में वैसे ही बहुत ज़्यादा ताकत है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा है। अब ये देख लें प्रॉपर जो है ये पक के जो है रेडी हो गए हुए हैं, और इसको केचप के साथ या किसी भी सॉस के साथ बच्चों को दें, ये खाएँगे, ये प्रॉपर अब रेडी इसकी शेप ये है। बच्चे ऊपर भी नीचे से भी ऊपर आ गए हुए थे, अभी पड़ी भी बैठ गई हुई थी, तो इन्होंने सब ने ना बहुत मज़े से खाए थे। मैं रमज़ान में बनाती तब भी सब बच्चे ना बड़े शौक से खाते थे, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि कैसा बना हुआ है, कहते हैं हम टेस्ट करके बताते हैं आपको कि कैसा बना हुआ है। साथ साथ अहमद भी आपियों को देख रहा था कि मुझे तो दे नहीं रही, सारी आपियाँ खुद खा रही हैं। मैं अभी को पड़ी को पूछ रही थी कैसा है, तो सब कहते हैं बहुत टेस्टी बना हुआ है चाची। अभी पड़ी ने भी बड़े खुश होकर खाया था। और यहाँ मेरा शहजादा बेटा लेटा हुआ था, देख रहा था, टीवी भी देख रहा था, अल्लाह ताला उसको बुरी नज़र से बचाए। माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा बेटा है, इंजॉय कर कर के सब खा रही हैं। फिर उसके बाद मैं किचन में चली गई, तो मैंने जो रू अफ़ज़ा की या जामेशरी जो मर्ज़ी आप कह सकते हैं उसकी रेसिपी जो बनानी थी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक हम लोगों ने एक देश के अंदर तकरीबन 2 किलो चीनी डालनी है, चीनी जो है मेयर करके डालनी है जितना भी आपने बनाना है, और इसके अंदर पानी जो है 1 लीटर डालना है। इसका वैसे भी रफली अंदाज़ा बता दें, इनका पानी इतना डालना है कि चीनी जो है उसके अंदर भीग जाए, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि मैं पतला नहीं बनाती हूँ, मैं गाढ़ा गाढ़ा थोड़ा सा बनाती हूँ, थोड़ा सा मैं गाढ़ा रखती हूँ, क्योंकि मुझे पतला नहीं पसंद है, क्योंकि वो पतला भी तो ज़्यादा ही डालना पड़ता है, तो गाढ़ा हम लोग उतना डाल लें तो वो ठीक रहता है। इसको साथ साथ हला देना, चीनी जो है वो नीचे लगे ना और जमे ना, क्योंकि चीनी को ना हला तो मोटे मोटे उसके ना चंक्स बन जाते हैं। अब ये शीरा जो है ना प्रॉपर पक के तैयार हो गया, इतना देखना कि चीनी जो है चीनी के ज़रे जो है वो नीचे ना रहे। इसके अंदर रेड फूड कलर डालना है, फूड कलर भी वो डालना है जो कि पंसारी की दुकान से मोस्टली मिलता है, जिसको रूह अफज़ा रंग कहते हैं, रूह अफज़ा के नाम से जो रंग पंसारी की दुकान से मिलता है वो डालना है। इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून नॉर्मली ये रंगाई वाले लाल रंग नहीं डालना, फूड कलर डालना है इसके अंदर, पानी के अंदर मिक्स करके इतना डालना है कि जो हम रूह अफज़ा जब रेडी हो जाए तो उसके अंदर पानी के अंदर जो इसका जो कलर है वो प्रॉपर रहे। मैंने सारा मिक्स करके इसके अंदर डाल दिया, और जो है बाउल में से भी निकाल के अब इसको हला देना है, ताकि जो आप इसमें मिक्स हो जाए, और इसको अच्छा सा बॉयल करना है ताकि सही रहे, और इसको देखते जाना है ताकि रूह अफज़ा जो है वो पतला ना बने, क्योंकि मैं गाढ़ा बनाती हूँ ना, मैं इसलिए कह रही थी कि इसको पका लेना है ताकि ये पतला ना हो। फिर देचकी को चूल्हे से नीचे उतार लेना है, क्योंकि अब इसके अंदर हम डालने लगे टाटरी, 1/2 टीस्पून टाटरी डालनी है। टाटरी इसलिए डालनी है ताकि इसके जो चीनी जम जाती है, जो बाद में इकट्ठी हो जाती है, शीरा जो ख़राब होने वाला होता है वो ना हो टाटरी से, और चूल्हे से उतार के डालना है, क्योंकि अगर हम चूल्हे के ऊपर ही डालेंगे तो टाटरी मिक्स होने के बाद ना बॉयल होती है, तो वो फिर सारा जो शरबत है ना वो गिर जाएगा, इसलिए इसको चूल्हे से उतार के इसको बॉयल कर लेना है। फिर इसको ठंडा करने के लिए रख लेना है। अब ये देखें ये हो गया हुआ है, देखें ना ये पतला है और ना ये गाढ़ा है, जिस तरह बाज़ार से रूह अफज़ा या जामेशरी लेते हैं ये उतना है। अब इसका ठंडा होने के बाद इसके अंदर डालना है आइसेंस या
केवड़ा, और ये बाज़ार से मिलेगा रू केवड़ा, यानी कि इसको हम पंसारी की दुकान से रू केवड़ा या आइसेंस के नाम से लेंगे। इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स डालने हैं या हाफ टी स्पून, जो बिल्कुल दो चार कतरे जिसके अंदर आएंगे वो डालें, हाफ टी स्पून या ढक्कन में डाल के दो तीन ड्रॉप्स डालें ताकि इसकी खुशबू, रूह अफज़ा की खुशबू जो है वो इसके अंदर मिक्स हो जाए, इससे अच्छी और मज़े की खुशबू आए। एक जग के अंदर मैंने पानी डाल के रखा हुआ है, डाल के आपको मैं निकाल के दिखाती हूँ कि किस तरह होगा। ये देखें बिल्कुल उसकी ज़बरदस्त सी उसकी गाढ़ा सा वो हुआ हुआ है शरबत। अब इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ, अब ये देखिएगा कि कितना प्यारा इसके अंदर कलर आता है। देखें जैसे बाहर का रूह अफ़ज़ा होता है वैसा ही प्रॉपर बनेगा, घर के अंदर साफ़ सुथरा और मियारी और अच्छा और सस्ता बनता है। इसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया, मैं बाप डाल को दिखाती हूँ क्योंकि देखें प्रॉपर हम लोग रंग इतना डालना है कि अभी देखें मैंने आपके सामने कितना डाला है, कोई पतला नहीं लग रहा या ये नहीं लग रहा कि नहीं ये पतला है या कलर लाइट है, कलर इतना ही डालना है। अगर ज़्यादा भी फूड कलर नहीं डालना और कम भी नहीं डालना, इतना प्रॉपर डालना है कि ये 2 किलो का मैंने रूह अफ़ज़ा बनाया था, आपका शीरा बनाया था जिसके अंदर मैंने ये सारा कुछ मिक्सचर बनाया। बच्चे मेरे तो बहुत शौक़ से पीते हैं, मेरी परी तो बहुत शौक़ से पीती है, घर में अच्छा भी बन जाता है, मैं इसलिए भी बना लेती हूँ, चलो सस्ता भी बन जाता है, ईज़िली हो जाता है, बनाना भी आता है और बच्चे भी शौक़ से पीते हैं, वैसे भी गर्मियों में भी ज़्यादा शौक़ से पिया जाता है। अब आप लोग कह रहे हो कि मैं इस मौसम में क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरे ससुराल में पूरा साल ही ये इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको बताती हूँ कि घर में ये कितने कीमत में पड़ता है। अगर हम बाज़ार से चीनी लें, चीनी 80 या 90 रुपये किलो है, 2 किलो अगर हम चीनी लें, और जो कलर इसका जो फूड कलर हम लोगों ने डाला है, जो रूह अफ़ज़ा का रंग डाला है हम लोगों ने इसके अंदर, वो तकरीबन 20 रुपये का या 30 रुपये का पैकेट मिल जाता है। ये अगर हम अभी तक काउंट करें तो इसके टोटली अभी 200 रुपीज़ बने हैं। अगर हम बाहर से 1.5 लीटर वाली बोतल लेते हैं वो 400 या 500 रुपये की आती है, 200 रुपीज़ में 2 लीटर अभी तक मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये एसेंस है, ये तकरीबन 150 रुपये का आ जाता है, ये तकरीबन साल दो साल अगर चलता है, इसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो भी ज़्यादा होती है, और डलता भी 2 से 3 ड्रॉप्स डलता है, डलता भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा डलता है, यानी कि टोटल अगर हम इसकी कीमत देखें तो हमारी बाहर से ख़रीदे हुए रूह अफ़ज़ा की नस्बत आधी भी नहीं हमें पड़ेगी। तो आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होंगी दोनों, तो आप में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।